पुछो सैव दी तरती नू मेरी नमस्कार होवे। 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 ते वर्ष रहियां मेरा उस थान दा दीदार होवे। जिथे वारस रहियां मेरा उस थान दा दीदार होवे। जिथे वारस रहियां मेरा उस थान दा दीदार होवे। जिथे वारस रहियां मेरा उस थान दा दीदार होवे। सैव दी तरती नू मेरी नमस्कार होवे। पुछो सैव दी तरती नू मेरी नमस्कार होवे। बाबा महार नाम सिंह जी जिस थां मेरा बरसाइया। जिस थां मेरा बरसाइया। जिस थां मेरा बरसाइया। धन बाबा नंद सिंह जी ने जिस थां तो बख्शिशां पाइया। जिस थां बख्शिशां पाइया। जिस थां तो बख्शिशां पाइया उन्हां वलियां दे चरना च मेरी नमस्कार होवे। उन्हां वलियां दे चरना च मेरी नमस्कार होवे। सैव दी तरती नू मेरी नमस्कार होवे। सुखमनी साहब दा आवाजा हर वेले जिस थां आवे। हर वेले जिस थां आवे। हर वेले जिस थां आवे। जो पर्दा हाजरियां मुँह मंगियां मुरादां पावे। खाली मुड़दा ना जिदे मन च प्यार होवे। ओ खाली मुड़दा ना जिदे मन च प्यार होवे। जो साहिब दी तरती नू मेरी नमस्कार होवे। जो साहिब दी तरती नू मेरी नमस्कार होवे।
चल ने पुछो सैब जान दे, उस धरत पवित्र दी जो धूड़ मथे नू लांदे, ले जांदा जन्मां दा दुखां दा पार होवे, ले जांदा जन्मां दा दुखां दा पार होवे। जो साहिब दी धरती नू मेरी नमस्कार होवे, पुछो साहिब दी धरती नू मेरी नमस्कार होवे। तन गुरु नानक हर प्राणी उस थां ते फिरे लौंदा, उस थां ते फिरे लौंदा, उस थां ते फिरे लौंदा, हसन ते जाके जो शरदा नाल शीश झुकाउंदा, शीस चुकाउंदा, शरदा नाल शीस चुकाउंदा, संदू पूरी हो जावे जो दिल दी पुकार होवे, संदू पूरी हो जावे जो दिल दी पुकार होवे। जो साहिब दी धरती नू मेरी नमस्कार होवे, पुछो साहिब दी धरती नू मेरी नमस्कार होवे। जिथे वर्ष रहियां मेरा उस थां दा दीदार होवे, जिथे वर्ष रहियां मेरा उस थां दा दीदार होवे। जो साहिब दी धरती नू मेरी नमस्कार होवे, जो साहिब दी धरती नू मेरी नमस्कार होवे, जो साहिब दी धरती नू मेरी नमस्कार होवे, पुछो साहिब दी धरती नू मेरी नमस्कार होवे, पुछो साहिब दी धरती नू मेरी नमस्कार होवे, पुछो साहिब दी धरती नू मेरी नमस्कार होवे, मेरी नमस्कार होवे, मेरी नमस्कार होवे। सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरां ने अपार बख्शिश कीती है, सतसंग दियां सुपागियां घड़ियां प्राप्त होईयां ने। कबीर एक घड़ी आधी घड़ी आधी हूं ते याद, भगतन सेती गोष्टे जो कीनो सो लाभ। वडभागे हो महापुरखां दी याद विच जुड़ बैठे हो, कोई भी रसना वांझी ना रहे, सारे प्यार सहत बुलाओ फतेह,
आखो जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। महापुरख धन धन बाबा महा हरनाम सिंह जी जिन्हां ने पुचो साहब की धरती नूं भाग लाए। पुचो साहब जी की धरती ते अपने मुबारक चरण पा करके बंदगी करके तपस्या करके इस धरती नूं भागां वाली बनाया ते पुचो साहब की धरती अज पूजन योग हो गई। सा धरत पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। से जंत पए हरियावले जिनी मेरा सतगुर देखिया जाए। धरती नूं भाग एवें नहीं लग जांदे, धरती नूं भाग एवें नहीं लग जांदे। साध संगत कहिंदे इक वेरा ना शिवजी भगवान ते पार्वती जा रहे सन किसे पासे ते जांदियां जांदियां एक उजाड़ बियावान कोई धरती आई। शिवजी भगवान ने उस धरती नूं लम्मे पै के डंडौत वंदना कीती। पार्वती जी बड़े हैरान होए, कहन लगे महाराज ये धरती ते कोई रिखी मुनि तपस्वी नहीं दिखदा, इस धरती ते कोई अस्थान नहीं दिखदा, उजाड़ बियाबान चारे पासे, फिर की वेख के इस धरती नूं तुसी नमस्कार कीती। शिवजी भगवान जी कहन लगे पार्वती अज ये धरती उजाड़ बियाबान दिखदी है पर इस धरती ते कमाई वाले महापुरखां दे चरण पैणे ने। इस धरती ते कमाई वाले महापुरखां ने बैठ के बंदगी करनी है, तप करना, फिर समा आवेगा उस बंदगी नूं भाग लगेगा, उस कमाई नूं भाग लगेगा, महापुरखां दे चरण पैण करके ये धरती पूजन योग हो जाएगी। ये धरती नूं मैं तां नमस्कार कीती है वी इस धरती ते कमाई वाले महापुरखां दे चरण पैणे, ये धरती कर्मां वाली है, ये धरती भागां वाली है। साध संगत जी असीं घिओ वाला भांडा धरती ते रखीए ना, जदों चुकांगे फिर थोड़ी बहुती तंदेई है जेड़ी वो धरती ते रह जांदी है, फिर उस तंदेई ते बेअंत कीड़ियां आउंदियां ने तंदेई लैण वास्ते। इसे तरह ही जिथे महापुरखां दे पावन चरण टिक जांदे ने, महापुरखां दे पावन चरण पैंदे ने, समें दे हिसाब नाल और महापुरख अकाल पुरख दे हुक्म अनुसार उस धरती ते तप करके सिमरन करके शरीर करके उत्थों चले जांदे ने। महापुरख शरीर करके ते चले जांदे ने पर साध संगत जांदे जांदे उस धरती ते नाम रूपी तंदेई छड जांदे ने ते उस फिर नाम रूपी तंदेई तो साध संगत जी बेअंत संगतां जांदियां ने। कोई दुनियावी पदार्थां नाल उस तंदेई तो झोलियां भरदा जिहड़ी नाम रूपी महापुरख छड के गए ते कोई फिर साध संगत उसे तंदेई तो रब नूं मिलण दा रस्ता पुछदा है, परमार्थ दा रस्ता लभदा है। फिर जेहो जी भी किसी दे मन दी भावना हुंदी है ना, ओहो जी भावना उस धरती तो पूरी हुंदी है। क्यों? क्योंकि उस धरती ते कमाई वाले महापुरखां दे पावन चरण टिके ने, पावन चरण टिके ने ते जिथे कमाई वाले महापुरखां दे पावन चरण टिक जान, जिस तरह पुचो साहब दी धरती ते धन बाबा महा हरनाम सिंह जिया ने पावन चरण पाए
तपस्या कीती, बंदगी कीती, उस धरती नूं रंग भाग लाए ते साध संगत ऐसी धरती दे परथाई। सतगुरु अपनी बाणी विच वचन करदे ने, कहिंदे अठ सठ तीर्थ जै साध पग धरै तहां बैकुंठ जै नाम उचरै। कहिंदे उह धरती है ना जिहड़ी अठाटां तीर्थां दे समान हो जांदी है, जिथे कमाई वाले महापुरखां दे पावन चरण पैंदे ने। आखो सतनाम श्री वाहे ते पढ़ लो प्यार दे नाल सारे भाई फिर। अठाट तीर्थ निवास उथे करदे ने, जिथे साधु पैर तरे। अठाट तीर्थ निवास उथे करदे ने, जिथे साधु पैर तरे। तीर्थ निवास उथे करदे ने, जिथे साधु पैर तरे। ठाट तीर्थ निवास उथे करदे ने, जिथे साधु पैर तरे। ठाट तीर्थ उथे करदे ने, जिथे साधु पैर तरे। ठाट तीर्थ निवास उथे करदे ने, जिथे साधु पैर तरे। प्यारे जी जिथे साधु पैर तरे, प्यारे जी जिथे साधु पैर तरे। प्यारे जिथे साधु पैर तरे, मेरे प्यारे जिथे साधु पैर तरे। प्यारे जिथे साधु पैर तरे, प्यारे जी जिथे साधु पैर तरे। करदे ने जिथे साधु पैर तरे, ठाट तीर्थ निवास उथे करदे ने, जिथे साधु पैर तरे। हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा से, जंत पे हरियावले जिन मेरा सतगुर देखिया जाए। सा धरत पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे से अस्त्र सोन चवारे। कहिंदे ओ धरती सुहावनी होए जाया करदी है, जिस धरती ते कोई रब दा प्यारा बैठ करके नाम जपदा है, बंदगी करदा है। पुच्छो वाले महापुरख बाबा महा हर नाम सिंह जी, साध संगत जी, एक बेरा बाबा जी पुच्छो कलां दी धरती ते विराजमान ने, ते बाबा जी दे प्यार वाले एक साधु जेड़े साध संगत जी गिदड़ वाहे दे कोल नगर हुसनर तो आया करदे सन। पुच्छो साहिब बाबा जी दे दर्शनां नूं, इन्हां दा नां सी गंगा राम।
गंगा राम साधु आया करदे सन गिदड़वाहे दे कोल हुसनर नगर तो पुछो कलां बाबा जी दे दर्शन करन वास्ते। बाबा जी भी आया दा बड़ा सत्कार करदे सन, बड़ा प्यार करदे सन। साध संगत जी आपस विच दोहां दा बड़ा प्यार सी। एक वेरा की होया, जिस नगर दे विच ये गंगा राम साधु रहिंदे सन ना, जिथे इन्हां दा अस्थान सी, उस नगर दे विच कहिंदे पाणी दी बड़ी परेशानी आ गई। उन्हां समयां दे विच अज वांग घर घर दे विच मोटरां नहीं सी लगियां, हैंड पंप नहीं सी लगे, खूह होया करदे सन जां साध संगत जी दुनिया वारस दे पाणी ते निर्भर होया करदी सी। कहिंदे मीह पिया ना काफ़ी समा बीत गया, पाणी ती बड़ी किल्लत आ गई, पाणी दी बड़ी साध संगत जी किल्लत आ गई, दुनिया तरस रही है वारस नूं। महापुरखां नूं सारिआं वली वेख के ना नगर वली वेख के मन दे विच तरस आया, दया आई भी इत्थों दे लोक ने जिहड़े नगर दे ये पाणी नूं तरस रहे ने, पाणी नूं तरस रहे ने। ते महापुरखां ने साध संगत जी नगर दे लोकां वास्ते एक छप्पड़ बनवाया, भाव टोभा बनवाया। उस टोभे दे विच जदों बारिश पैंदी सी ना, पाणी जमा हो जांदा सी, फिर पाणी जदों जमा हो जाणा फिर परेशानी नहीं सी आउंदी, जदों जरूरत होणी टोभे विचों उत्थों दे लोकां ने लै जाणा, पशु नहाउण वास्ते, कपड़े धोण वास्ते, पीण वास्ते, चलो घड़ियां दा किवें ना किवें प्रबंध कर लैणा। पर वारस ना होण करके कहिंदे ओह टोभे दा पाणी भी सुक गया। आखो सतनाम श्री वाहे गुरू। ओह टोभे दा पाणी भी सुक गया। जदों टोभे दा पाणी भी सुक गया उत्थों दे लोक बड़े परेशान हो गए, ते साधु गंगा राम जी उहनां दे मन विच दया आई, तरस आया भी कुछ ना कुछ करना चाहीदा। पर साध संगत साधु है ही असलो जिहदे हिरदे विच दया होवे। जिहड़े साधु दे हिरदे विच दया नहीं ना है वह साध संगत जी साध कहाउण दा हकदार नहीं, वह साधु कहाउण दा हकदार नहीं। जिहड़े साधु दे हिरदे विच दया नहीं है, तौल धर्म दया का पूत, कहिंदे ओही बंदा धर्म दे खरा उतर सकदा है जिहड़े बंदे दे हिरदे विच दया होएगी। जिहड़े बंदे दे हिरदे विच दया नहीं ओह धर्म ते की पहरा देगा। आखो सतनाम श्री वाहे गुरु। ओह धर्म ते की पहरा देगा। ते दया जिहड़े साधु दे हिरदे विच है ना, 68 तीर्थ सगल पुन जी दया प्रवान। कहिंदे एक पासे 68 तीर्थां दा फल है ते दूजे पासे एक जीव ते कीती हुई दया। एक पासे 68 तीर्थां दा इशनान कर ली ते एक पासे एक जीव ते दया कर दी, कहिंदे फल एक बराबर हो जाएगा। आखो सतनाम श्री वाहे। जिन्ना फल 68 तीर्थां दे इशनान करन दा है ना, एक जी ते दया करन दा भी ओना ही फल है। आखो सतनाम श्री वाहे गुरु। एक जीव ते दया करन दा ओना ही फल है साध संगत। ते जिहड़ा साधु दया नहीं कर सकदा, जिहदे हिरदे विच दया नहीं है, चाहे वह कोई साधु होवे, चाहे सिख होवे, चाहे कोई भी होवे भाई, जिहदे हिरदे विच दया नहीं, कदे आपो अपने हिरदिआं च झाती मारिओ। असीं किसे ते तरस खा के दया कीती है, असीं दया खा के साडे हिरदे विच दया आई होवे, किसे दी कोई मदद कीती है माया करके, कपड़े करके, प्रसादे करके, भोजन करके, किसे भी तरह दी दया किसे ते कीती है, जे नहीं कीती ना ते फिर साध संगत जी आ धारना महापुरख पढ़ दे। कदे किसे रोंदे नूं हसाया ई ते दस खां, कदी किसे रोंदे नूं साया ई ते दस खां।
ਕਿਸੇ ਵਿਛੜੇ ਨੂੰ ਮਲਾਈ ਤੇ ਦਸ ਖਾਂ ਕਦੀ 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 ਕਿਸੇ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਹਸਾਈ 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 ਤੇ ਦਸ ਖਾਂ ਪਟਿਆ ਜ਼ਖਮ ਦਸ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੀਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਏ ਐਵੇਂ ਮਾਲ ਫੇਰੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਏ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰਜਾਈ ਤੇ ਦਸ ਖਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰਜਾਈ ਤੇ ਦਸ ਖਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਹਸਾਈ ਤੇ ਦਸ ਖਾਂ ਕਦੀ 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 ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰਜਾਈ ਤੇ ਦਸ ਖਾਂ ਹੋਵੇਂ ਸਾਧੂ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਫਕੀਰ ਬਣਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਫਕੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਫਕਾ ਰੱਖ, ਫਕਾ ਰੱਖ। ਫਫੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕਾ ਰੱਖਣਾ, ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਛਕ ਲਿਆ, ਜੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਕੱਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਧੂ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਸਾਧੂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸਾਧੂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਾ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਤੇ ਰਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇਂ ਸਾਧੂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਈ ਜਾਵੇਂ, ਸਰਾਪ ਦੇਈ ਜਾਵੇਂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਵਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਰਾਪ ਵੀ ਨਾ ਦੇ, ਜੇ ਵਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਸਰਾਪ ਵੀ ਨਾ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਸਾਧ ਸਾਧ ਘੁਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋਚਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਸਾਧੂ ਜਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਡੇਰਾ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਭਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਦਲ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਰੁੱਖ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਛਾਵੇਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ,
आप धुप झल के दुनिया नू शाम बख्शदे ने। तीसरे आए ने महापुरख जेड़े कमाई आप करदे ने, बंदगी आप करदे ने, शरीर दे कष्ट अपने चलदे ने, पर अपने वास्ते कुछ नहीं मंगदे, मंगदे ते संसार दा भला मंगदे ने। आखो सतनाम श्री वाहे गुरु। मंगदे आ ते संसार दा भला मंगदे ने। जन्म मरन दोहूं मैं नाही, जन पर उपकारी आए, जी दान दे भगती लाए न, हर स्यों लैण मलाए। विरले जग आउंदे ने दुनिया नू तारन वाले, 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 विरले जग आउंदे ने 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 दुनिया नू तारन वाले, जन्म मरन दोहूं मैं नाही, जन पर उपकारी आए, जी दान दे भगती लाए न, हर स्यों लैण मलाए। संसार दा भला करन साध संगत जी विरले साधु आउंदे ने। गंगा राम साधु जी दे मन विच दया आ गई भी इन्हां दा भला करना चाहीदा, प्यासे मर जाणगे, पानी तो बिना बड़ा औखा है जीवन निर्वाह करना। केंद्र नेड़े कोई सूआ जांदा सी, साध संगत जी दो चार सेवादार ला के ना गंगा राम साधु ने सूए दे विच पाड़ पा के एक खाला बना के ना जेड़ा सप्पड़ सीगा सूए दे पानी नाल भर लिया, भाव सूआ वड़ लिया। ते हुण जेड़े सरकारी कर्मचारी सी जदों ये गल दा पता लगा भी सूआ वड के सप्पड़ भरिया है, किसी ने साध संगत जाके चुगली कर दिती, परचा दर्ज हो गया, परचा दर्ज हो गया गंगा राम साधु ते भी इन्हां ने चोरी सूए का पानी वड्या है। जदों ये गल का पता लगा गंगा राम साधु नूं भी मेरे ते परचा दर्ज हो गया भी मैं सूए का पानी वड्या, इस विषय से पुछ गिछ करन वास्ते सरकारी कर्मचारी मेरे डेरे ते आउणगे, हो सकदा मैनू सजा भी हो जावे। साध संगत जी बड़ी बेअदबी वाली गल है, बड़ी बेइज्जती वाली गल है। फिर पुछो वाले महापुरखां दे चरणां दा ध्यान धरिया, ध्यान धर के अरदास कीती, कहन लगे महापुरखो मैं सुनिया
हम संतन की रेण प्यारे, हम संतन की सरणा। संत हमारी ओट स्तानी, संत हमारा गहना। महापुरख औखे वेले दा गहना हुंदे ने। गरीब नवाज कृपा करो, हुण मेरी इज्जत तुहाडे हथ विच है। अपने सेवक दी लाज रखनी, आखो सतनाम श्री वाहे गुरु। अपने सेवक दी लाज रखनी ते साध संगत पुचो वाले महापुरख बाबा महा हरनाम सिंह जी, उन्हां दे जीवन दी एक बड़ी विशेषता और बड़ी विशेषताई वाली गल सी। यह साध संगत जी अचरज जिन्हों आप बाणी दे विच पढ़दे आ ना कि साध जना की अचरज कथा, भी साधुआं दे कौतक अचरज कर देण वाले होया करदे ने। ते पुचो वाले बाबा जी दे जीवन दी एक विशेषता सी भी जेड़ा भी उन्हां दे कोल प्रेमी आउंदा सी ना, चाहे संगत रूप होवे चाहे कोई साधु महापुरख रब दे प्यार वाला सी, साध संगत उहदा ध्यान बड़ा रखदे सी, उहदा चेता बड़ा रखदे सी। जे किसे ते कोई औखा समा आ जाना ते पुचो वाले महापुरखां ने साध संगत जी उहनूं जां ते कोई बंदा भेज के कोल बुला लेना, जां फिर बंदा भेज के उहनूं कहना भाई फिकर ना कर, असीं तेरे नाल हां। आखो सतनाम श्री वाहे गुरु, असीं तेरे नाल हां। साध संगत जदों अरदास कीती ना पुचो वाले महापुरखां दे चरणां च, ते पुचो वाले महापुरखां ने अपने एक सेवक नूं भेज दिता गिदड़वाहे हुसनर पिंड, भी जाओ भाई ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਵੀ ਜਾਣ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਭਲੀ ਕਰਨਗੇ, ਭਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਧੂ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਗਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਧੂ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਸਾਧੂ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਗਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਧੂ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਗਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਧੂ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਸਾਧੂ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਸਾਧੂ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜੀ, ਸਾਧੂ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਗਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਧੂ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਗਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਧੂ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਗਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਧੂ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਰੇਣ ਪਿਆਰੇ, ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸਰਨਾ, ਸੰਤ ਹਮਾਰੀ ਓਟ ਸਤਾਣੀ, ਸੰਤ ਹਮਾਰਾ ਗਹਿਣਾ। ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਸਾਧੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਘੱਟ ਘੱਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ,
पुचो वाले महापुरखा ने फिर सेवादार नूं भेजिया भी जाओ भाई कह के आओ भी डोलन की लोड़ नहीं है, जे सरकारी कर्मचारी आउण ते सच दस देना है। सरकारी कर्मचारी आउण सच दस देना है, झूठ नहीं बोलना। दिलासा देण वास्ते सेवादारां नूं आप भेजिया। साध संगत जी, महापुरख औखे वेले दा सचमुच गहना होया करदे ने। ते बाबा ईसर सिंह महाराज जी ने कहना, जेड़े साधु ने तुहाडी इत्थे बाह ना फड़ी ते ओह दरगाह च की बाह फड़ लेगा। जेड़े साधु ने तुहाडी इत्थे बाह ना फड़ी ओह दरगाह च की बाह फड़ लेगा। जेड़ा साधु भाई इत्थे बाह फड़ेगा ओह दरगाह च भी फड़ लेगा। आखो सतनाम श्री वाहे गुरु। ओह दरगाह च भी फड़ लेगा। पुचो वाले महापुरखा ने सेवादारां नूं भेजिया। सेवादार गए, जाके आखिया, भाई पुचो वाले महापुरखा ने सुनेहा भेजिया, डोलन की लोड़ नहीं है, सच दसना है, झूठ नहीं बोलना। जदों साध संगत सुनेहा गंगा राम साधु नूं मिलिया ते साध संगत जी खुशी होई, हौसला हो गया, हुण मैनूं कुछ नहीं हो सकदा, पुचो वाले बाबा जी मेरे नाल ने। आखो सतनाम श्री वाहे गुरु। पुचो वाले बाबा जी मेरे नाल ने। साध संगत फिर वो समा आ गया, सरकारी कर्मचारी आ गए। सरकारी कर्मचारी आए, जदों टोबे ते गए ना, जेडे टोबे विच सूए दा पानी भरिया सी, की वेखदे ने कि वह टोबा वह छप्पड़ है जेरा बिल्कुल सुकिया पिया, पानी दा एक किणका भी नहीं। आखो सतनाम श्री वाहे गुरु। पानी दा एक किणका भी नहीं है। जल ते थल कर थल ते कूआ, कूप ते मेहर करावै, धरती ते अकाश चढ़ावै, चढ़े आकाश गरावै, अपने प्यारे दी लाज रखी, अपने प्यारे दी लाज रखी। ते साध संगत जिहड़ा पूरा हुंदा है ना, वो अपने प्यारियां दी लाज रखदा, अपने सेवक की आपे रखै, आपे नाम जपावै, जय जय काज किरत सेवक की तहां तहां उठतावै। बाबा आनंद सिंह जी महाराज एक वेरा नानक सर विराजमान सन, विराजमान ते कोई साध संगत जोगी आ गया, जोगी रिधियां सिधियां प्राप्त कीतियां सी बंदगी करके, कुछ करामातां आया ते साध संगत जेड़ी खूही ते बाबा जी स्नान करदे सी ना, पानी भरदे सी जेड़ी खूही तो, अपनी करामात दे नाल कहिंदे उहने खूही दा पानी छका दिता। खूही दा पानी छकाया, बाबा जी नूं जाके मिलिया, आओ महापुरखो किवें आउणे होए जी आया नूं, सेवा दसो। कहिण लगा, जी मैनूं प्यास लगी है, जल छकणा, जल छकणा। बाबा ईसर सिंह जी नूं इशारा कीता, जा ईसर पानी लै के आ महापुरखां वास्ते। बाबा ईसर सिंह महाराज जी गए, जदों खूही ते जाके तकिया ते साध संगत खूही सुकी पई है, पानी दी एक बूंद भी नहीं विच। बड़े हैरान होए भी हुणे ते पानी खड़ा सी, इत्थों पानी रोज भरदे आ, एड्डी छेती की हो गया, खूही दा सारा पानी सुक गया। बाबा जी कोले वापस आ गए, महाराज खूही दा ते सारा पानी सुकिया पिया। बाबा जी समझ गए, जोगी दी करामात है, ये कोई जोगी दी करामात है। ते साध संगत बाबा जी कहन लगे, जा सचखंड दे विच गुरु साहब दे अगे जल वाला गड़बा पिया ना, ओ जल वाला गड़बा लिया, ओ जल जोगी नूं छका। कहिंदे जल लै के बाबा ईसर सिंह महाराज जी आ गए, जल वाला गड़बा लै के
ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਲ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਓਕ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਵੇਂ ਜਲ ਛਕ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਓਕ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੀ ਓਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਪਾਣੀ ਉੱਪਰੋਂ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋਗੀ ਪੀਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਡੁੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਹੇਠਾਂ ਡੁੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਡੋਲੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣੋਂ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਗੜਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਗੜਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਾਗਰ ਪਈ ਹੈ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਗਾਗਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੜਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਜੋਗੀ ਹਾਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਾਰਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਹਾਰਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੇ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ, ਜੈ ਜੈ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉੱਠਤਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੇ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੇ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਜੀ। ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਜੀ, 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 ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੇ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੇ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੇ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੇ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੇ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਜੈ ਜੈ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉੱਠਤਾਵੇ। ਜੈ ਜੈ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉੱਠਤਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਾਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭੁੱਚੋ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਏ, ਟੋਬੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕਿਆ, ਸਾਰਾ ਟੋਬਾ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਤਲਾਹ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੂਏ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਟੋਬਾ ਭਰ ਲਿਆ।
पर टोबे दे विच ते एक भी पानी दी बूंद नहीं है, सानू माफ़ी दे दे। ते गंगा राम साधु कहन लगे भी जड़ी तलाह तुहानू मिली है ना, ये झूठी नहीं सी, ये सच्ची सी। असी पानी भरिया जरूर सी, भरिया ये नगर दे भले वास्ते, पानी दी बड़ी जरूरत सी। पशु त्याए मर रहे ने, वारस पई नू बड़ा समा हो गया, पानी भरिया जरूर सी, पर ये पता नहीं गुरु नानक साहब ने की कृपा की है कि मेरा वरताइया ने टोबा भरिया है, तुहानू पता नहीं पानी क्यों नहीं दसिया। आखो सतना श्री वाहे गुरु, तुहानू पता नहीं पानी क्यों नहीं दसिया। साध संगत वो फिर सरकारी कर्मचारी महापुरखा को माफ़ी मंग के वापस चले गए। ते गंगा राम साधु फिर पुचो वाले महापुरखा का शुकराना, क्योंकि अरदास कीती सी ना, जिन्हां ते भावना होवे भरोसा सी भी ये जो कौतक वरत्या है, जो मेरा वरतियां ने, मेरी इज्जत रही है, मेरी लाज रखी है, पुचो वाले बाबा जी ने कृपा कीती है, पुचो वाले बाबा जी ने मेरा वरताइया ने। साध संगत पुचो साहब की धरती ते फिर नमस्कार करन वास्ते, महापुरखा का शुकराना करन वास्ते गंगा राम साधु जी आए। आ करके महापुरखा का शुकराना किया। साध संगत जी एक नहीं अनेक प्रमाण ने पुचो वाले महापुरखा ने, तारे गिने जात है ना तारे गिने जात है। साध संगत जदों महापुरख शरीर करके वरतते सी ना, उदों तो संगतां नूं तार रहे सन, जिन्हें भी आना भाई वध तो वध सुखमनी साहब दे जाप करिया करो, सुखमनी साहब दे जाप, जपजी साहब दे जाप, मूल मंत्र दियां माला, गुर मंत्र दियां माला। साध संगत जी ये महापुरखा ने सुखमनी साहब दे एक नहीं लखां ही जाप करवा दिते। ते बाबा आनंद सिंह महाराज जी दी झोली विच भी पुचो वाले महापुरखा ने रहमतां पाईयां, बख्शिशां पाईयां। बड़े समय दे राजे महाराजे आके कहिंदे सन, महापुरखो आग्या दिओ, तुहाडे वास्ते सोहणा स्थान तैयार कर दईए, सोहना स्थान तैयार कर लईए। बाबा आनंद सिंह महाराज जी ने भी बेनती करनी, बाबा जी अस्थान बना लो, अस्थान बना लो। कहना नहीं बई, पहला तेरा स्थान बनावांगे, बाद विच साडा बनेगा, पहला तेरा स्थान बनावांगे, बाद विच साडा बनेगा, ते साडा स्थान भी तेरे ही सेवादार आके बनाउणगे। आखो सतनाम श्री वाहे गुरु, सेवा ते तो ही लवांगे, साडा स्थान भी तेरे ही सेवादार आके बनाउणगे। साध संगत जी अज फिर वेख लो, महापुरखां दे बचन सत हो रहे ने, महापुरखां दे बचन सत हो रहे ने। नानक सर कलेरां दी धरती नूं जिथे भाग लगे, उत्थे धन धन बाबा कुंदन सिंह महाराज जी दे सेवादार प्यारे सेवक, सत्कारयोग संत बाबा सुखदेव सिंह जी, जिहड़े मौजूदा महापुरख ने पुचो कलां दी धरती ते। साध संगत जी जिथे अस्थानां दी सेवा अज करवा रहे ने, संगतां नूं परेर परेर के सेवा नाल जोड़ रहे ने, उत्थे सिमरन दी भी कोई कमी नहीं। सिमरन साध संगत जी पिछले साल आप जी ने तकिया है 100 साले नूं समर्पित, साध संगत जी MH1 ते बाबा जी ने लाइव समागम, कीर्तन दवान, कीर्तन समागम, दिन पुर रात केवल पंजाब दी धरती ते ही नहीं, बाहरलियां स्टेटां ते भी साध संगत जी जा जा के संगतां नूं नाम बाणी सेवा सिमन दे नाल जोड़िया। कल्ले नूं बाह, कल्ले कल्ले नूं बाहों फड़ फड़ के आओ भाई जुड़ो, आओ भाई सेवा करो, आओ भाई सिमन करो। साध संगत रब दे प्यारे, रब दे प्यारे बाहों फड़ फड़ के पार लंघाउंदे ने, नाम बेड़ी संत मला पार कर दे खा मखा। जिथे जिथे साध संगत वड्डे पाठां दी सेवा थां पर थां महापुरख चला रहे ने, उत्थे बाबा सुखदेव सिंह जी पुचो कलां दी धरती ते भी बेअंत संगतां तों सुखमनी साहब दे जाप, गुरमंत्र दे जाप, अखंड पाठां दीआं लड़ियां बड़े ही प्यार भावना दे नाल जो सेवा उन्हां दी झोली विच पई है अज महापुरख करवा रहे ने। ते साध संगत अज भी जिहड़ा फिर भावना दे नाल, शरदा दे नाल, अंदरों प्यार भावना दे नाल पुचो साहब दी धरती ते जाके नतमस्तक हुंदा है, जो भी किसे दे मन दी भावना है, साध संगत जी उत्थों झोलियां भर के आउंदा है। ये महापुरखां दी कमाई है, ये महापुरखां दी बंदगी दी बरकत है। अज जो भी उत्थे जांदा है सब दियां मनोकामनावां भावनावां पूरियां हुंदियां ने,
गुरु साहब करे कृपा। इसे तरह महापुरख बाबा सुखदेव सिंह जी जो चाली साध संगत जी पुचो वाले महापुरख बाबा खेम सिंह जी होना ने बड़े महापुरखों तो बाद चलाई उस मर्यादा अनुसार अज सेवा निभा रहे ने। गुरु साहब कृपा करन महापुरखों नूं देह रोगता तंदुरुस्ती बख्शिश करन। आओ साध संगत जी आ धारना पढ़ के दास कीर्तन की समाप्ति करेगा। होइयां तमाम भुलां बख्श लैणियां आप सरबत संगतां बख्शण योग हो कोई भी रसना वांझी ना रहे जी। तेरी बेड़ी दा जे संत मुला हो जे तेरी बेड़ी दा जे संत मुला इतनी कहाजरी प्रवान करनी हुक्म होया भाई जो आरंभता दे विच कविता पढ़ी सी पुचो साहब की धरती नूं मेरी नमस्कार होवे। कविता दुबारे पढ़ी जावे। आओ सारे रसना पवित्र करियो कोई भी रसना वांझी ना रहे जी। पुचो साहब की धरती नूं मेरी नमस्कार होवे। पुछो सैव दी धरती नू मेरी नमस्कार होवे। पुछो सैव दी धरती नू मेरी नमस्कार होवे। पुछो सैव दी धरती नू मेरी नमस्कार होवे। वर्ष रहियां मेरा उस थान दा दीदार होवे। जिथे वारस रहियां मेरा उस थान दा दीदार होवे। वारस रहियां मेरा उस थान दा दीदार होवे। जिथे वारस रहियां धरती नू मेरी नमस्कार होवे। पुछो सैव दी धरती नू मेरी नमस्कार होवे। Thank you.
बाबा महार नाम सिंह जी जिस थां मेरा बरसाइया जिस थां मेरा बरसाइया जिस थां मेरा बरसाइया धन बाबा नंद सिंह जी ने जिस थां तो बख्शिशा पाइया जिस थां बख्शिशा पाइया जिस थां तो बख्शिशा पाइया उन्हां बलियां दे चरणां च मेरी नमस्कार होवे उन्हां बलियां दे चरणां च मेरी नमस्कार होवे साहिब दी धरती नू मेरी नमस्कार होवे सुखमनी साहिब दा आवाजा हर वेले जिस थां आवे हर वेले जिस थां आवे हर वेले जिस थां आवे जो परदा हाजरियां मुँह मंगियां मुरादां पावे मुरादां पावे ओ खाली मुड़दा ना जिदे मन च प्यार होवे ओ खाली मुड़दा ना जिदे मन च प्यार होवे जो साहिब दी धरती नू मेरी नमस्कार होवे पुछो साहिब जांदे जो चलने पुछो साहिब जांदे उस धरत पवित्र दी जो धूड मथे नू लांदे जो तूड मथे नू लांदे ले जांदा जन्मां दा दुखां दा पार होवे ले जांदा जन्मां दा दुखां दा पार होवे जो साहिब दी धरती नू मेरी नमस्कार होवे साहिब दी धरती नू मेरी नमस्कार होवे
तन गुरु नानक हर प्राणी उस थां ते फिरे लौंदा उस थां ते फिरे लौंदा उस थां ते फिरे लौंदा आसन ते जाके जो शरदा नाल सीस चुकौंदा शरदा सीस चुकौंदा शरदा नाल सीस चुकौंदा संधू पूरी हो जावे जो दिल दी पुकार होवे संधू पूरी हो जावे जो दिल दी पुकार होवे उच्चो साहिब दी तर दीनू मेरी नाम से वर्ष रहियां मेरा उस थां दा दीदार होवे जिथे वर्ष रहियां मेरा उस थां दा दीदार होवे जो साहिब दी धरती नूं मेरी नमस्कार होवे जो साहिब दी धरती नूं मेरी नमस्कार होवे सैव दी धरती मेरी नमस्कार होवे पुछो सैव दी धरती मेरी नमस्कार होवे पुछो सैव दी धरती मेरी नमस्कार होवे पुछो सैव दी धरती मेरी नमस्कार होवे मेरी नमस्कार होवे मेरी नमस्कार होवे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।